के बोलबा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय आवगा के विभिन्न समस्याओं की जानकारी लेने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की एक टीम। विद्यालय पहुंचने के साथ ही अतिथियों का विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने बताया कि उच्च विद्यालय आवगा की स्थापना 1982 में हुई थी। विद्यालय को वितरित मान्यता भी मिल चुकी है। विद्यालय में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत एवं 11 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं। लगभग 6 साल से शिक्षकों का मानदेय नहीं मिल रहा है। तत्कालीन रघुबर सरकार के समय से विद्यालय को मिलने वाली अनुदान राशि बंद हो गई है। 300 बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रबंधन समिति ने विद्यालय को मिलने वाली अनुदान राशि दिलाने सहित कई सुविधाओं की मांग की है। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक बसंत कुमार लोंग ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालय नियमित रूप से चलाने के लिए हर संभव मदद किया जाएगा। विद्यालय की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। एक सप्ताह के अंदर प्रतिनिधि मंडल एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं के शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री के से मुलाकात कर समस्याओं को सरकार के पास रखेंगे और समाधान की मांग करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक बसंत कुमार लोंगा, केंद्रीय सदस्य मोहम्मद शाहिद, फिरोज अली, जिलाध्यक्ष किशोर डांग, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद अनस, मोहम्मद जावेद, प्रखंड अध्यक्ष नोबेल सोरेंग, उपाध्यक्ष जैनुल अंसारी, वीरेंद्र बड़ाइक, रेणु खलको, सुसंध्या खलको, प्राचार्य देवेंद्र भगत, रूपलाल सिंह, ममता कुमारी, एएम खलको उपस्थित थे। खंड के आवगा उच्च विद्यालय उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और मूल वासियों के लिए एक अनमोल धरोहर है, जिसका आवगा एवं आसपास के रहने वाले शिक्षा प्रेमी एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सन 1982 में आवगा उच्च विद्यालय की स्थापना किए थे। और वहाँ जाने का एक मकसद था आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी उस विद्यालय के वर्तमान हालात, दशा और परिस्थिति का अवलोकन करने के लिए गए थे। और जगह पर हम लोगों ने देखा कि आज भी वो विद्यालय बहुत ही दयनीय दशा में है। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ही अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। विगत बिहार सरकार, संयुक्त बिहार राज्य के समय में अनुदान स्वरूप उस विद्यालय को कुछ अंशदान देती थी, लेकिन वर्तमान समय में विगत रघुवर सरकार ने वो अनुदान भी बंद कर दिया, जिसके कारण आज बहुत ही खराब हालात में है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रयास कर रही है और कोशिश करेगी कि विद्यालय प्रबंध समिति, टीचिंग नंदी। कालो खलको की रिपोर्ट, बोलबा सिमडेगा से R9 भारत।